प्रणाम। मुझे बहुत ही गौरव हो रहा है कि आपने हमारे नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में विश्वास करके हमसे ट्रीटमेंट ली। आपका क्या अनुभव है, क्या आशीर्वाद है बताइए, तो हमें दुनिया में ये कहने का मौका मिलेगा कि नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट इज डूइंग वेरी वेल। यस, यू आर ट्रू डॉक्टर, इट इज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और नॉन मेडिकल में आजकल जैसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है कि जो हम देसी इलाज करते हैं या अपनी समझ से जो चीजें इजाद करते हैं उसकी जो वैल्यू है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम सिर्फ एक अंग्रेजी दवाइयों पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो वो एक मिथ्या भ्रम है जिसे मैं समझता हूँ। सही बात है। या ये से कह सकते हैं मृत तृष्णा है, ठीक है कि नहीं, तो वो एक मिथ्या भ्रम आज एक टूट गया है। और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी इस चीज को अपनाएं और अपना मिथ्या भ्रम तोड़ें कि अंग्रेजी दवाइयां ही सब कुछ ठीक नहीं होती है। हम भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, इतनी बुद्धि, अच्छी बुद्धि दी है, और भारतीय परंपराओं के हिसाब से जो आयुर्वेदिक दवाइयां और जड़ी बूटियां और नेचुरोपैथी को मिला के जो आपने एक इतना अच्छा ट्रीटमेंट इजाद किया है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, सेवा कर रहे हैं एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, तो उससे भगवान भी जो है ना वो आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद स्वरूप ही वो चीजें जो ना आगे फल रही है और वो आपके फेस पे दिखाई पड़ता है मेरे को। सर मैं सच बताऊं, मुझे तो लगता है कोई संत बोल रहे हो, व्यक्ति इतना बढ़िया नहीं बोल सकता, पर कोई बात नहीं। सर सच बताऊं, मैं ट्रीटमेंट लेना और ट्रीटमेंट देना, ठीक हो जाना बड़ी बात नहीं है जी। पर जो आशीर्वाद के शब्द, जो उद्गार आपने हमें दिए हैं जी। ये प्रूव है, संसार के अंदर प्रूव हो जाएगा कि दिस ट्रीटमेंट इज प्रूवन और थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर क्योर्ड, बट इतने बढ़िया आशीर्वाद देने वाले बहुत कम होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो काइंड ऑफ यू। ईश्वर भला करें, जो सीखा अपने गुरु से सीखा। नहीं, जो जय स्वामीनारायण कहूंगा सर मैं इसके लिए। गॉड ब्लेस यू सर।